फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आपसी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम जो व्यूवर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा और ट्रैवल ब्लॉग के लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूं जो काफी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। साथ ही साथ लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मालूम होता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप से जरूर जुड़िए जिसका नाम है वीजा गाइड। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा साउथ कोरिया के वीजा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हो तो आपको कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से जगह पर आपको ज्यादा जॉब मिल सकता है और आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, किस जगह पे है, आप कहाँ पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तो आपका ट्रेड कौन सा होना चाहिए, आपका स्किल कौन सा होना चाहिए, तो उस टॉपिक पर आपसे मैं बात करूंगा। काफ़ी सारे व्यूअर ने सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा कि अगर हम साउथ कोरिया जाएं तो वहाँ पे कौन सी जॉब मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दिया जाए। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है, छोटा वीडियो है और इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कौन कौन सी डिमांडिंग जॉब है, कहाँ कौन कौन सी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और आप वहाँ पर जाके कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं साउथ कोरिया के, साउथ कोरिया में अगर आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो प्रोफेशन में अगर बात करें साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा सैलरी किस काम में है, तो साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, क्योंकि साउथ कोरिया में गेम का बहुत बड़ा गेम बहुत बनाया जाता है और गेम की काफ़ी सारी कंपनियां वहां पे हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हासिल है तो आप साउथ कोरिया जा सकते हैं, वहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप साउथ कोरिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो एनुअल की जो सैलरी होगी वो 65,000 डॉलर से 70,000 डॉलर तक आप एनुअल आप कमा सकते हो साउथ कोरिया में काम करके, अगर आप वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जाते हो। उसके बाद नंबर दो जो डिमांडिंग जॉब है साउथ कोरिया में है वो आर्किटेक्ट इंजीनियर की साउथ कोरिया में बहुत ही मांग है क्योंकि वहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्शन चला करता है और ये भी बहुत डिमांडिंग जॉब है। तो लेकिन इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से देखा जाए तो आर्किटेक्ट इंजीनियर की सैलरी जो होगी वो 30,000 से 35,000 के आसपास US डॉलर में आपको मिलेगा। तो साथ साथ मार्केटिंग मैनेजर सेल्स में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है साउथ कोरिया में और वहाँ पर भी आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और मार्केटिंग मैनेजर सेल्स में काम की काफ़ी सारी सैलरी भी है, आप वहाँ से $55,000 USD एनुअल आप कमा सकते हो अगर आप साउथ कोरिया में, अगर आप सेल्स में काम करते हैं, मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं तो अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा स्कोप है। और प्रोडक्ट मैनेजर में आप काम करते हो तो भी अच्छी खासी सैलरी है, 60,000 के आसपास आप वहाँ पर कमा सकते हो। अगर आप वहाँ पर टीचर की जॉब करते हो तो आपको $50,000 से $45,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो टीचर की जॉब में भी काफ़ी सैलरी है, अच्छा खासा सैलरी है। और अगर आप अकाउंटेंट हो, अगर आपको कुछ अच्छा अकाउंटेंट आता है, अकाउंटिंग अगर आपका गुड है तो साउथ कोरिया में आपका वेलकम है और साउथ कोरिया में आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिलेगा अगर आपको अकाउंटिंग आता है तो। लेकिन फटाफट आना चाहिए अकाउंट। अगर आप साउथ कोरिया में नर्सिंग की जॉब करते हैं, अगर आप वहाँ पर नर्स हैं तो आपको सैलरी जो मिलेगा वो $34,000 से $40,000 तक आपको साउथ कोरिया में नर्सिंग जॉब में आपको सैलरी मिल जाएगा। तो ये हो गया साउथ कोरिया में जो प्रोफेशनल जॉब है उनका। अगर आप वहाँ पर लेबर जॉब करते हैं, अगर आप वहाँ फैक्ट्री जॉब करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आप वहाँ पर लेबर की जॉब करते हैं या तो अगर आप साउथ कोरिया में लेबर की जॉब करना चाहते हैं, अगर आप फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर लेबर की जॉब करना है कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री में या कहीं और, तो आपको कितनी सैलरी लग जाएगी इसका भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। $1,200 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा अगर आप साउथ कोरिया में काम करते हैं। मिनिमम जो है वो 1200 और अधिकतम आपको $1,500-$1,600 के आसपास मिल जाएगा, डिपेंड आप काम क्या करते हैं। तो इतना साउथ कोरिया में लेबर वर्क जो वहाँ पर है वो कमाते हैं और लेबर की सैलरी इतनी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि साउथ कोरिया में अगर आवर में कितना सैलरी मिलता है, अगर एक घंटा आप काम करते हैं तो मिनिमम कितना आप कमा सकते हैं। तो जो साउथ कोरिया में अगर आप एक घंटा काम करते हैं तो $7-6 के आसपास आप कमा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया साउथ कोरिया अगर आप जाते हैं वहाँ काम करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। लेकिन सबसे नोटिस करने वाली चीज़ यह है, साउथ कोरिया अगर आप जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है वहाँ का वर्क वीज़ा लेने के लिए, वहाँ काम करने के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज आना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है आप कोरियन लैंग्वेज सीखें, चाहे आप ऑनलाइन सीखें या कहीं कोर्स करें। इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं, आप वहाँ पर जाके कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं।
तो साउथ कोरिया में आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा और आपको किसी एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद सेल्फ आप जॉब सर्च कर सकते हैं। साउथ कोरिया में जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे जाके आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोरियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करिएगा, लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक होगा मुझे लगेगा उतना ज़्यादा वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेटस अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।